चले चलो नमस्ते सत्री अकाल सलाम। तो लो भी रामगढ़ वापस आ गए हैं। तुझे कैसा लग रहा है पहाड़ों में आके वापस अपने घर में रामगढ़ में? अजीब सा क्वेश्चन करते हैं यार, ये कोई क्वेश्चन करने वाला है? मेरे व्यूअर्स जानते हैं मुझे कैसा लग रहा होगा। हाँ शक्ल लग रहा है दोबारा, जो हालत मैं अब देख रही हूँ ना 15-20 दिन बाद घर की, तो ऐसा लग रहा है यार सारी कसर निकलेगी। यहाँ आके जो फिजिकल वर्क होता है ना वो वाकई में मतलब हिला देता है। तो अब बहुत तगड़ा फिजिकल वर्क होने वाला है। यहाँ पे क्या हाल है हमारे घर में और कैसे हालात हो रहे हैं, और जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो आपको कंसर्न था वो भी सारा क्लियर करेंगे। और अभी ये देखो मेरे को कह रहे थे चल ऊपर से स्टार्ट करेंगे व्लॉगिंग करना, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। मैं भैया अपने ग्लव्स पहले ही साथ में ले आई, मैंने कहा यार काम भी करते हुए चलेंगे। दराती भी आ गई है, लव की तलवार भी आ गई है, यही से घास काटते हुए नीचे चलना है क्योंकि रास्ते में इतनी ज्यादा आ रही है, उसमें कुछ कांटे भी है, झाड़ियाँ भी है जो तुम्हारे पैरों में और कपड़ों में चिपक रही है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है मेरे गेट के ऊपर, पहले ये बोर्ड यहाँ पे नहीं था, हमने अपने घर के बाहर ये बोर्ड क्यों लगाया हुआ है जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नो एंट्री विदाउट परमिशन। ये अभी मेरे ख्याल से हमें 2 ही महीने हुए इसको लगाए। हाँ, हुए अभी कुछ ही महीने हुए इसको लगाए हुए। हर एक इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, मेरी फैमिली है यहाँ पे, मेरी डॉटर है, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है। ऐसा हो गया था कि जैसे हम नीचे बैठे हुए हैं और नीचे बैठे घर में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। देखो 50 तरह के काम होते हैं लाइफ में। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और कुछ बिल्डर्स थे, अपने जो क्लाइंट्स थे उनको खुश करने के लिए वो सीधा उनको लेके आ गए और दरवाजा खोला, नीचे गेट खोला हमारा। आओ भाई हम आपको मिलवाते हैं पंजाबी ट्रैकर्स से। हम उनको जानते हैं पर्सनली। हाँ। उनको यहाँ पे लोकल्स को सबको घर तो पता ही होता है एक दूसरे का, तो वो इस तरह से लेके आते थे जैसे वो वेल नोन है हमारे, जैसे हमें वो जानते हैं, कभी मिले नहीं है, बात नहीं करी। तो ना तो हम किसी उस प्रॉपर्टी डीलर को जानते थे, ना किसी हम बिल्डर को जानते थे, और ऐसा 2-4 बार हो चुका था। मान लो मैं घर में नहीं हूँ, प्रीति घर में अकेली है, तो होता ये था कि कुछ लोग सीधा गेट खोला और स्ट्रेट नीचे उतर गए। तो इसलिए मैंने लिखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, एटलीस्ट इंसान इस बोर्ड को देख के एक बार रुकेगा सही, एक बार नॉक तो करेगा, वो स्ट्रेट नीचे तो नहीं उतर आएगा। किसी के घर जा रहे हो तुम उससे परमिशन लेते हो कि एंटर करने से पहले कि हम नीचे आए कि नहीं आए। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं। हाँ? इतने अच्छे से उन्होंने प्यार से मिले भी हमसे, हमने उनका वेलकम भी किया है क्योंकि उनको एटिकेट थे इस चीज के कि भैया कैसे किसी के घर जाना है। ऐसा कितनी बार हुआ कि 6-7 फैमिली एक ही दिन में हमसे मिलने आई, और कभी मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ, कभी किसी और चीज में बिजी होता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार कोई आदमी तो दूर से आया, उससे जितना भी बात कर सकूं पॉसिबली वो मैं करता हूं। जब ये बोर्ड लगाया था मैंने यहाँ पे, उस समय सेकंड वेव पूरे उसमें थी, चरण सीमा पे थी, तो उस समय भी लोग डायरेक्टली नीचे उतर आते थे वहाँ पे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, देखो हम भी आपकी फैमिली हैं और आप भी हमारी फैमिली का पार्ट हो। सेफ्टी और सिक्योरिटी, एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा ही फर्ज है। अब देखो मैंने इसमें ये भी लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग। हर एक कोई होता है वो डॉग फ्रेंडली नहीं होता, और हाथी ज्यादातर हमारे यहाँ पे फार्म के अंदर खुला रहता है। तो जैसे कोई गेस्ट आता है, कोई सब्सक्राइबर आता है, तो हाथी उसे मिलने के लिए ऊपर को भागता है। तो जब वो एकदम आता है ना, हाथी की आदत है, वो किसी पे जंप करके चढ़ता है। उस समय क्या होता है, वो जो फैमिली वाले होते हैं जो आ रहे होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स हमारे यहाँ पे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, डर जाते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि बीवेयर ऑफ डॉग, कि एटलीस्ट जब आ रहे हो आपको पता हो कि नीचे एक डॉगी है। सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक इंसान पेट फ्रेंडली नहीं होता है, किसी को कुत्ते पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो अब उनके लिए भी सही है और हमारे लिए भी सही है कि भैया थोड़ा सा गैप मेंटेन करो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए फिर चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको अपने घर की हालात। एक सब्सक्राइबर आए थे हमारे यहाँ पे जब हम यहाँ पे नहीं थे, तो उन्होंने बोला था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड का जो ये है थाम्ब है, इसके ऊपर जो पत्थर पड़ा हुआ है इसके नीचे कोई नोट रखा है मेरे लिए। मैंने चेक किया था, मुझे कोई नोट नहीं मिला यहाँ पे। तो जिन साहब ने स्टोन रखा था, आप मुझे punjabitracker@gmail.com पे जो भी मैसेज आपने लिखा था मेरे लिए वो प्लीज वहां शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ा जो चेंज है हमें आके यहाँ पे मिला देखने को, वो है इतनी हरियाली होगी, इतनी ग्रीनरी होगी यहाँ पे, चारों तरफ घास ही घास उग गई है। अपने पहले देखा होगा जब हम नीचे उतरते थे रास्ता बिल्कुल साफ था, अब इतनी घास हो गई है, और ये सारी घास जून सी है, कम से कम 2-3 फीट 4-4 फीट घास है। तो ये सारी घास जून सी है पूरे फार्म में से हमें साफ करनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा टास्क है। अब चक्कर ये होता है, मेरी और इनकी बहस होती है इस बात पे भी थोड़ी सी, ये अपना तलवार लेके साहब जी लोग जाते हैं धड़ाधड़ पूरे खेत में तलवार चलाने। वो तलवार से क्या होता है ना कि
घास तो कटती है, स्पीड में कटती है मानती हूँ, लेकिन उसका जो चिथड़े उड़ते हैं ना घासों के, वो पूरे गार्डन को खराब कर देते हैं। यानी मतलब मैं घास काटता हूँ, गार्डन खराब होता है? नहीं यार वो बात नहीं है, नहीं, और मैं फिर भी बात होगी ना, तारीफ कभी नहीं करनी मेरी, इतनी मुश्किल दराती से काट। अभी मैंने 2-3 गांव के लोगों को भी बोला है भाई, वो आके हमारे अपने गाय बच्चों के लिए जितनी घास ले जा सकते हो यहाँ से ले जाओ। हाँ अगर वो ले जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो किसी काम में आ जाती, नहीं तो ये बेच जाएगी। लाभी मेरी तलवार का, मेरे मत मार देना तलवार ने अपनी। ये देखो कितने बड़े बड़े घास उग गई यहाँ पे, जंगल बन गया पूरा। अब रात को उतर रहे थे तो डर लग रहा था उतरते हुए। हैं ले रखी हाथ में, मारो इन्हें, काटो। ये मेरी तलवार चली और ये घास गई। हैं तो जब हम आए यहाँ पे तो पूरी घास यहाँ तक थी बिल्कुल, थोड़ी सी अभी साफ हुई है। रात को उतर तो डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई कीड़ा सांप वाप ना काटे हमें। तो अब ज्यादा लगेगा जब घास काटेंगे। सबसे खतरनाक चीज यहाँ पे ये, आपके पैंट पे आपके कपड़ों पे चिपक गया ना ये, तो निकलना मुश्किल हो जाता है ये। आपने कौन सा निकालना हुआ है? मैं नहीं निकालना है, बैठ के 2-2 घंटे बैठी रहती पजामों पे। ढंग से काटो ना, जड़ से काटो, काम करो ढंग से करो। पहले अपना पानी चेक करते हैं कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। पानी वैसे अभी दिख रहा है, ये आ रहा है, बट ये अभी चला जाएगा ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ ये थोड़ा सा स्टोर और का पानी इसके अंदर, ये गया, ये देखो पानी गया। अब जरा टैंकी पे चेक कर ले। ओ मकड़ी इतनी बड़ी, पानी आधी टैंकी अभी, मतलब पानी नहीं आ रहा। तो लो भी पानी तो अपना नहीं आ रहा, जो टैंक है हमारा हाफ हो रखा है। सेकंड टास्क, ये सेकंड टास्क है। ये देखो रास्ता पूरा बंद हो रखा है उतरने का, और ये कांटे वाले पौधे नीचे। तेरी बेल वाल भी है इसके अंदर कोई? तो जब मैं सफाई करता हूँ घास काटता हूँ तो साथ में कभी कभी कद्दू की जो बेल होती है, खीरे की बेल होती है, उस पर मेरी तलवार चल जाती है। फिर प्रीति से डांट खानी पड़ती है कि मेरी बेल क्यों काट दी तुमने, आ जा नीचे, बता दियो कौन सी इस बारी बेल खेल है तेरी। नहीं तो लव कुमार की तलवार चलती तो फिर उसके बाद ऐसे ही होता है। भाई इसको काटना तो बहुत खतरनाक काम है, ये देख। हट जा, मुझे बता मैं काटता हूँ। अरे आप रहने दो, काट देगी ये ना कद्दू, है ना कद्दू की बेल ये ना अंदर है? ये हाँ, ये बड़े पत्तों वाली जो दिखे। तुन लगाई कहाँ पर? यहाँ तो यहाँ तो लगाता कद्दू। अरे खाद के ऊपर लगाते हैं इसको, बढ़िया चलती है ना। ये बड़ी कांटे वाली, ध्यान से रखियो। देखो जूते पहन के प्रीति ने, ये बहुत ही काम आते हैं जूते, क्योंकि यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं अंदर, तो इसलिए ये शूज पहने यहाँ पे, गम बूट पहने बहुत जरूरी है यहाँ पे। ये कद्दू तो नहीं है, कद्दू नहीं है यहाँ, ये ना ठीक है ना, ये हाँ ये प्राण जाए पर कद्दू ना जाए। देखो ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हो, ये घास देख रहे हो, ये सिर्फ 15-20 दिन के अंदर हुई है ये सारी। ये तेरे कद्दू की बेल, ये कहाँ का पहुंची हुई है, तेरे फूल भी आ गया कद्दू का, और तेरे गन्ने वन्ने सब छुप गए, जो रास्ता बनाया था सारा रास्ता छुप गया है। और गेंदे के पौधे देखो कितने लग गए रास्ते के अंदर, नीचे सारा देखो जंगल बना हुआ है। ये हमारा स्टोर है, स्टोर दिखा दो अपना, मैं स्टोर जाने का रास्ता कैसे बंद हो गया, बड़ी मुश्किल जूते निकाले मैंने इसमें से आज। तो थोड़ा सा आपको मैं अपनी इक्विपमेंट्स दिखाता हूँ, जैसे ये तलवार देख ही रहे हो आप, बहुत सारी काम की चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे। कुछ है पेंट वेंट रखा हुआ, पाइप्स रखे हुए हैं, ये कुछ लकड़ी है, ये स्प्रे करने वाला है प्लांट्स के ऊपर, एक हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है, कुछ पाइप रखी हुई है हमने पीछे, ये सब्बल है जो बहुत काम आता है हमारे, सारे औजार रखने पड़ते हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये रेंच है, रेंच लेके जाऊँगा मैं, और रेंच ले जाके अपना पाइप ठीक करना है। रस्सी रखी हुई है, ये हमारा बेलचा है, ये हमारी कुदाल है। आगे चले दिखाते हैं आपको हमारे घर में जंगल में मंगल क्या हो रहा है। थोड़ा सा घास भी कौन साथ में, भाई यहाँ तो नहीं है कोई बेल छेल, रिस्की बहुत है यहाँ पे बरसात के मौसम में, इस वेजिटेशन में आपको पता नहीं लगता कि पैर के नीचे क्या रहा आपके। हाँ चार जा, इतनी पूछ ना कर जा बेटा। ये सारा साफ करना पड़ेगा। ये कुछ दिन पहले जब गंगा यहाँ से निकल रही थी तो आपको मैं दिखाया था कैसे फ्लावर्स लगे हुए थे यहाँ पे। भाई गिरने पे डर भी है, कुछ नहीं, वो नजर नहीं आ रहा कुछ पैरों के नीचे, रास्ता नजर नहीं आ रहा। 2-3 दिन लगेंगे इस पूरे मैदान को साफ करने में, सारी घास को साफ करने में, और कंटिन्यूसली 3-4 घंटे ये तलवार है मेरी ये चलती है। जो तलवार है ये आपको किसी भी लोहार की शॉप पे मिल जाएगी। तो जाने से पहले हमने बहुत सारी सब्जियां लगाई थी यहाँ पे, वो सारी सब्जियां दिखाते हैं उनकी क्या हालात है। ये जीनिया के फ्लावर्स हैं,
टमाटर देखते रहे लाल लाल हो गए। हाँ। हर साल ये फ्लावर्स अपने आप हो जाते हैं। पिछली बार याद है पूरा खेत इसी का बन गया था पूरा। गोपीनाथ मार्केट है, सदर बाजार है यहाँ पे दिल्ली के अंदर। वहाँ से हम जीने के फ्लावर्स लेके आए थे पैकेज के अंदर, तो एक बार लगाए थे, उसके बाद सारे फ्लावर्स अपने आप हो जाते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे बीज निकलते हैं और जो फैल जाते हैं हवा के साथ साथ, तो उसके बाद ऐसा होता है कि पूरे के पूरे जंगल से बन जाते हैं। इस बार तो सही हुए, लास्ट टाइम बहुत सारे जीने के फूल हो गए थे। कितना सुंदर फूल है, टमाटर दिखाओ यार। तोड़ने वाले हो गए, अभी तोड़ लेगी सही नहीं तो काले हो जाएंगे। मन तो बेरा है कौन जाओ टोकरी लेके आओ काम अल्लाह टोकरी में लेके आओ और क्या। और जो मैंने रास्ता बनाया था ना बजरी कहाँ पे, मैंने देखो ये जो बजरी वाला रास्ता बनाया था मैंने चलने के लिए, वॉकवे बनाया था मैंने, वो सारा गायब हो गया इन झाड़ियों में। ध्यान रखियो सांप अपना काट ले तेरे को। घर लेबर मैं आऊँ ना लेबर तेरा, कोई बात नहीं पहले मेहनत करनी उसके बाद सब कुछ आता है। वो गांव की चोरी लाओ दो शहर के अंग्रेज। पता है इस टाइम गुड़गांव में 60-65 रुपए किलो टमाटर थे और यहाँ भी हो रहे हैं 50 रुपए किलो। अच्छा पर ये देसी है ना, सबसे बड़ी यही है, वही तो उन्हीं का टेस्ट आता है। अब सलाद खाओ दबा के। कितने महीने हो गए लगाए हुए टमाटर की पौध को? ये 2.5-3 महीने में जाके पूरे बने हैं। मैं ना मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए होती है आई थिंक, इसकी तो डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है टमाटर के पौधों का ना, अपने फैलते बहुत हैं ये। और इसमें थोड़ा सा ना मैंने ये डंडे लगाने पड़ते हैं ऐसे, है ना। आयुर्वेदिक स्प्रे भी किया था, गौमूत्र का स्प्रे, सूप भी बन सकता है इनका, टमाटर सूप। लव्य को सूप बहुत पसंद है। बच्चों को हम क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे, और दादी को भी मिस कर रहे होंगे। कारण ये था कि इस समय बरसातें बहुत हो रही थी उत्तराखंड के अंदर, और आप देख रहे हो कितना भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। हमने सोचा कि इस बार हम बच्चों को लेके पहाड़ों में नहीं आते, रक्षाबंधन आने वाला है अब, उनकी बुआ हाँ। को आना है गुड़गांव, लुधियाना से आना स्पेशली, और बेचारी आ भी 2 साल में एक बार रही है क्योंकि कोरोना था उसकी वजह से आ नहीं पाई थी, अब आ रही है तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट है उनसे मिलने के लिए। जो हमारे घर मेरी साली आई थी प्राची, जो बहुत ही अच्छी आर्ट की, फाइन आर्ट की टीचर है, और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है हमारे घर पे उन्होंने। जो देखिए आपने हिमालय की जो पेंटिंग शुरुआत की थी मैंने शेयर की थी आपके साथ, और पूरी कंप्लीट हो चुकी है, देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है। मैंने यहाँ पे हिमालय बनाए हैं जो कि मेरे जीजू और दीदी का ड्रीम है ट्रैक करना। बहुत मेहनत की इस लड़की ने, और इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कोई पेंटिंग करवाना चाहते हो तो इसकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है @theprachidagar, आप चाहते हो ऐसी कोई पेंटिंग, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो ये प्राची आपके लिए। दिल्ली एनसीआर आई विल वर्क एज वेल एज इन होल इंडिया। नो वेट, क्या दिया लड़की ने, बहुत तैयार है मेहनत करने के लिए, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है ये। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी के ऊपर, और ये आईडी तो उनकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। और आई थिंक प्रीति कुछ कहना चाहती है। आज रात के 12 बजे में है, कल हमें रामगढ़ निकलना है। मैं आपको एक पर्सनल चीज बताती हूँ सीक्रेट, कि हमारा कल निकलने का प्लान है रामगढ़, और इस बंदी ने मतलब पहले सोचा था 3-4 दिन में दीदी मैं ये पेंटिंग फिनिश कर दूंगी फटाफट से, बट जो इसके जिया जी हैं उन्होंने कुछ इसे मेकओवर करते रहे, कुछ ना कुछ अपना चेंजेस करते रहे, तो करते करते हमारे 6-7 दिन निकल गए, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा प्रोग्राम भी डिले हो गया। जो आप लोग बोल रहे ना ब्लॉग नहीं आए, ब्लॉग नहीं आए, वो यही रीजन था कि ब्लॉग इसलिए नहीं आया। मेरे घर में हिमालय आ गया, चल रही थी तो मेरे को थोड़ा सा हिमालय हमारे घर में आए हैं तो पूरा अच्छी तरीके से आने चाहिए। हमारे घर में कोई भी यहाँ बैठे ना सोफे के ऊपर सामने, तो उसको इस वॉल की याद आई, ठंडक फील हुई। देखो प्रीति को ठंडक लगी, बाप की प्रीति जैकेट पहन लो यहाँ पर। मुझे 5 बजे और 6 बजे तक घर से निकलना है। चलो मैं पैकिंग कर रही हूँ। प्राची को बहुत बहुत थैंक्स, पैकिंग करते हैं अपनी रामगढ़ जाने के लिए, और प्रीति की थोड़ी हेल्प करता हूँ मैं, ताकि और मैं सोचता तो वो पेंटिंग कंप्यूटर में टाइम लगा, एक हफ्ता लग गया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रामगढ़ में आना, पहाड़ों में आना हमारा डिले हो गया। ये वाली गोभी कितने कीड़े खा गए इस पे, एक गोभी सही है अभी ये वाली। उसके अलावा देखो ये भुट्टे, अब इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, इनकी गुड़ाई, सारी घास निकालनी पड़ेगी इनके आसपास से,
तभी अच्छे भुट्टे होंगे इनके ऊपर। देखो छोटा सा आना भी स्टार्ट हो गया भुट्टा। एक प्लांट अगर अच्छा हो, इतनी हाइट निकल जाती है, मोटा हो, तो 3-4 भुट्टे उस पर आराम से आ जाते हैं। और तूने मूली भी तो लगाई थी। यह मूली, ये देखो जी जड़ में इसकी मूली। हाँ मिक्स मतलब मिर्च और जो वो मोटी वाली अचार वाली मिर्च नहीं होती। हाँ वो भी है। अच्छा वाह क्या पता है जी प्रीति। ओहो बड़ी जमी सी लग रही है यार। ऐसा वो चिली बना दी, चिली पनीर है ना। चिली पनीर पनीर बहुत लंबा हो गया। इधर जहाँ बैठे हो वहाँ भी मिर्च है, सब्जी मिर्च के ऊपर बैठ गए। ये देखो दबा दी नहीं बच गई। ये है मिर्च, वो इधर मैं जा रहा हूँ घास काटने। डट जाओ ना गणा तक आज जाओ रहे हैं। हिलने ना दे मेरे को, तू काम भी कर लो थोड़े बहुत। जीने लगता तेरा। भगवान की दया से जब भी हम आते हैं अपने देवभूमि में, अपने घर पे आते हैं, बहुत सारा सामान है हमारा जो हमारे बाहर ही पड़ा रहता है। वो सामान कहीं भी पड़ा हो, जिस लोकेशन पे पड़ा है, जिस जगह पड़ा है, बिल्कुल एज इट इज वहीं पड़ा हुआ हमें मिलता है। यहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, रामगढ़ के बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं। होम स्वीट होम। तो गुड़गांव से चले थे सुबह हम 9:15 बजे और यहाँ पे एग्जैक्टली पहुंचे हम 8:30-9 बज चुके थे। बहुत तसल्ली हुई घर पहुंच के। 12 घंटे लग गए हमें गुड़गांव से यहाँ पे आने में। उसका कारण ये था कि हम रास्ते में व्लॉगिंग करते आ रहे थे। ये आ गया प्रीति का फेवरेट रूम जहां प्रीति जलाती है चूल्हा, और ये हमारे आगे आड़ू। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल पंजाबी ट्रैकर, डू शेयर एंड लाइक द वीडियो एज वेल।